लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हर वो चीज जिसको देखकर अशोक की याद आए इस घर से हटा दो। भाई के गम में ये बेचारी पागल से होती जा रही है। यस मिस्टर बोंसले, आप भी दूसरे ऑफिसर्स की तरह से यही कहने आए हैं कि अशोक का कुछ पता नहीं चला? कुछ समझ में नहीं आता जेलर साहब, पुलिस ने शहर का कोना कोना छान मारा लेकिन फिर क्या, उसे जमीन खा गई या आसमान? मैं कहा हूं आपको नहीं, लगता है इसकी याददाश्त हो चुकी है। ये तो और भी अच्छा हुआ, अब इसके दिमाग के कोरे कागज पर हम जो चाहें वो लिख सकते हैं। आज के बाद इसका नाम होगा सूरज। पाप की दुनिया में इसके कारनामे आसमान के सूरज की तरह चमकेंगे। नमस्ते सूरज भैया। नमस्ते। क्यों भेड़ू, क्या चक्कर है? तारीख है ना, लगा रहे बच्चे बड़े होने तक फैसला हो जाएगा तेरा। सूरज भैया। वालेकुम सलाम। तुम फिर से गाड़ी ठोक ला ली? वो तो नो एंट्री में रुकना चला गया था। गुरु एक मिनट, क्या यार इतनी देर कर दी तूने? अरे क्या करता गुरु, धंधे पे गया था, वापस आया पता लगा तुमने बुलाया, भागा भागा आ रहा हूँ। कितनी लगी? 6 महीने। पाचन बस्ती वालों का ख्याल रखना, और वो अपना होटल वाला है ना बिल्ला, उसे कहना अपना वो रामू है ना, उसे खाना पीना खिलाता रहे, अपना के सारे हिसाब किताब कर डाले। ठीक है चल बाप। और हाँ बादशाह, बाबा से कहना अपन एकदम फिट है, कोई फिक्र ना करें। बिल्कुल। फिक्र मैं सिर्फ उस वक्त करता हूँ जब सूरज साल में एक दो बार जेल नहीं जाता। उसकी जिंदगी में आपके दुनिया का जो इतिहास मैं लिखना चाहता हूं उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि बार बार वो जेल जाए, हर पुलिस स्टेशन में उसकी फोटो टंगे, ताकि वो इतिहास जब मैं अपने दुश्मन के सामने पेश करूं तो वो सपने में भी खून के आंसू बहाए। भैया भैया भैया। आशा आशा, क्या हुआ बेटी? फिर वही सपना देखा? पगली कब तक सपने देखती रहेगी? इतने साल हो गए, पता नहीं अब तक। ऐसा मत कहिए पापा, मेरा भैया आएगा, वो अपनी बहन से मिलने जरूर आएगा, इसी खिड़की से आएगा। ऐसी हर चीज जिसे देखकर उसकी याद आए मैंने इस घर से निकाल दी, लेकिन उसकी यादों को इसके दिल से कैसे निकालूं? भैया तुम आते क्यों नहीं? कहाँ हो तुम भैया? अब है ससुर के नाते पहले शेर पानी पीवत है फिर दूसरा जानवर का। जवानी के जोर पर घमंड मत कर बिस्ना, एक वक्त था जब लोग मेरे नाम से कांपते थे। अबे हट! क्या हुआ बाबा? पानी पानी पिला दो, पानी। चलो अपन पिलाते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। अब बजर बट्टू पानी पिलाएगा? भैया कहा देख रहे हो टुकर टुकर, भलाई का इनाम चाहता है? काफी भारी हाथ है तेरा। अभी पांव भी भारी करता हूँ बजर बट्टू। तुम्हारा बिस्ना के रास्ते में आए, दांत निकाल के तुहार के हाथ में दे देंगे। का
हाथ में दे देंगे। अपनी धमकी का जवाब नहीं लेगा क्या? जवाब कौन देगा हमका? अपन और कौन? चल दोनों को काम अपन की गलती नहीं, सब इसकी गलती है। ले जाओ इन दोनों को और चक्की पीसने पर लगा दो। चलो साहब, आप जख्मी हो गए। नहीं जख्मी तो नहीं, लेकिन ये खून, ये सूरज का खून है साहब। एक पल के लिए तो लगा कि ये मेरा अपना ही खून है। नमस्ते दादा, ये क्या हुआ? एक कुत्ते ने काट लियो। कुत्ते ने? उस ससुर के नाते को तो हम बाहर आके देख ले। तू बोल, तू का खबर लाया? खबर तो बहुत बुरी है दादा। अपने जुआ सट्टे और शराब के तमाम अड्डे बंद हो चुके हैं। कहा है? एक नया इंस्पेक्टर आया है, उसकी वजह से। उस ससुर के नाती का हड्डी नहीं डाली थी का? रिश्वत देने वाले को वो उल्टा लटका कर मारता है। तो ऊपर वालों को खिलाई पिलाई के वो हराम जादे का तबादला करवा देते। ऊपर वाले भी उसकी ईमानदारी से डरते हैं, गलत आदमी की फाइल बनाकर पियाजी साहब को दे देता है। वो ससुर के नाती का नाम पता हुलिया, जरा ही दाम का पता। नाम विजय, ऊंट जैसा कद, शेर जैसी चाल। तुम तीनों की फाइल मैंने बना ली, उस पर अंगूठा लगाकर तुम्हें अपने आप को कानून के हवाले करना था। इस बात की खबर तुम्हें नहीं मिली थी? ऐसी खबर और ऐसी खबर देने वालों को हम जमीन में गाड़ देते हैं इंस्पेक्टर। अच्छा, हमें ऐसा लगता है इंस्पेक्टर कि आज तक तुम्हारा पाला सिर्फ चूड़ियां पहनने वालों से पड़ा है। अरे हमसे भिड़ने की कोशिश ना करो, वरना तुम्हारी तो जिंदगी की फाइल है ना, हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। मेरा वक्त बर्बाद मत करो, अच्छे बच्चों की तरह इस फाइल में अंगूठे लगाओ और जीप में बैठ जाओ। हमारा अंगूठा लेकर क्या करोगे इंस्पेक्टर, पूरा पंजा ही ले लो। Thank you.
हाँ तो इंस्पेक्टर, तुम कुछ अंगूठा लगाने की बात कर रहे थे, बोलो कहाँ लगा दे अंगूठा? आज तुम जेल से जा रहे हो। हाँ साहब, अगर आपका प्यार मोहब्बत देखकर दिल तो नहीं करता कि अपन जाएं। सच साहब, अपन ने कई जेलें देखी हैं, अगर आपका बर्ताव देखकर लगता आप जेलर नहीं पिता है। अपन ने तो आपको हमेशा अपन के पिता के माफिक समझा है साहब। मैं तुम्हारी बात को तब सच मानूंगा अगर तुम आज से चोरी करना छोड़ दो। सर, आपको पिता समझना अपन की भावना है, चोरी करना तो अपन का धंधा है। अब भावना और धंधे में क्या कनेक्शन साहब? चोरी करना धंधा नहीं, आराम की कमाई पर पलना है। मेहनत मजदूरी करो, फुटपाथ पर ठेला लगाओ, इज्जत की दो रोटी कमाकर खाने को धंधा कहते हैं। आप ठीक कहते हैं साहब, मगर चोरी करने में बहुत मेहनत लगती है साहब। अपन करता है ना साहब, इसलिए अपन को मालूम है। साहब, फाइल वाला कबर्ड नहीं खुल रहा। क्यों नहीं खुल रहा? पता नहीं साहब, चाबी पूरी घूम जाती है, लगता है किसी ताला खोलने वाले को बुलाना पड़ेगा। ओफो, मुझे तो अभी फाइल लेकर कमिश्नर साहब के पास जाना है, जल्दी बुलाओ किसी को। सर, आप कहें तो अपन खोल दें। तुम, मैं जानता हूँ कि तुम ताला खोलने में एक्सपर्ट हो, लेकिन ये पुलिस डिपार्टमेंट मारने में क्या जाता है साहब, और आपको जल्दी भी है ना। चलो साहब, इजाजत है। खुल गया साहब। थैंक यू साहब। आपको एक बात बताऊं, सूरज जो भी काम करता है, अच्छा हो या बुरा, अपने लिए कम दूसरों के लिए ज्यादा करता है। चलता है रो, अगर हम किसी ताला खोलने वाले को बुलाते तो उसे भी मजदूरी देते। ये लो, तुम अपने इस हुनर को धंधा क्यों नहीं बना लेते? शुक्रिया साहब, अगर अपन ने अपन का हुनर इतना सस्ता बेचना शुरू कर दिया तो बहुत से लोग भूखे मर जाएंगे साहब। सलाम साहब। नमस्ते बाबा। जीते रहो बेटे, आ गए। हाँ बाबा, ये लो। ये क्या है? अपन की जेल की मेहनत की कमाई बाबा। जो आदमी दो मिनट में ताला तोड़ के लाखों रुपए कमा सकता है, उसके लिए कमाई नहीं भीख है, भीख। इसे दूर रखो, कहीं इसकी मनहूसियत मुझे भी ना छू जाए। हाँ, ये लोग तुमसे मिलने आए हैं। 10,000 रुपए मैं एडवांस ले चुका हूँ, बाकी काम तुम तय कर लो। क्या काम क्या है? एक इंस्पेक्टर है विजय, जो हमारी फाइल बनाना चाहता है। फाइल बनते ही वो उसे हाईकमान को दे देगा और हाईकमान हमारे अरेस्ट ऑर्डर निकाल देगा। फाइल है कहाँ? इंस्पेक्टर विजय के घर में। इस काम के लिए अपन 30,000 रुपया लेगा? 30,000 तो बहुत ज्यादा है भाई, काम भी बहुत मुश्किल है। लुक, अगर आसान काम होता तो हम तुम्हारे पास क्यों आते?
मंजूर हो तो हाँ कहो, वरना अपना एडवांस वापस लेकर पतली गली हो जाओ। ठीक है, हमें मंजूर है, लेकिन फाइल कब मिलेगी? 2 दिन बाद। ओके, पाशा साहब हम चलते हैं। अच्छा भाई, अच्छा, ऑल द बेस्ट। अरे भाई, चोरी के साथ साथ तुम्हें धंधा करना भी आ गया बेटा। नमस्ते जी। नमस्ते श्रीमान जी, भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि आपके शरीर की हर चीज सलामत है जी। हाँ वो तो है, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास आंखें हैं लेकिन देख नहीं सकते, कान हैं लेकिन सुन नहीं सकते। क्या ऐसे लोगों के बारे में सोचना आपका फर्ज नहीं है जी? क्यों नहीं, जरूर है, और मैं सोचता भी हूँ। सिर्फ सोचा मत कीजिए, उनकी मदद कीजिए दान देकर। काश आप जैसा हमदर्द हर इंसान हो जाए, ये तो बहुत है। लेकिन इसमें से तो मुझे वो, आप और भी देना चाहते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पर आप, ये हमारे ऑफिस का पता है, आप जितनी मदद करेंगे उतनी आपको दुआएं मिलेंगी। अरे सुनिए जी, लड़की है, बाबा ठीक कहते थे मेहनत की कमाई अपन को बचती नहीं है, सड़क खड़खड़ कर गई। अरे गुरु, तुम्हारा ही नहीं, सड़क से गुजरने वाले हर आदमी का यही हाल करती है, सुबह से एक के भरे नहीं मिली, मेरे पहुंचने से पहले ही खाली कर जाती है। चले दे यार, बेचारी नेक काम कर रही है। अरे ऐसा नेक काम रोज करने लगेगी तो हमारे जैसे जेब कतरे भूखे मर जाएंगे। अपन आ गया ना, तिजोरी तोड़कर तेरा पेट भरा लेगा, समझा? अरे मेरे पेट में बाद में डालना, पहले ये चिट्ठियां संभालो। चिट्ठे लेकिन है किसके? अरे बस्ती वालों की। तुम्हारे जाने के बाद बस्ती वाले मेरे से पूछने लगे सूरज भैया का, तो मैंने कह दिया कि दुबई गए हैं, तो बोले फिर तो बड़ा इम्पोर्टेंट सामान लेकर आएंगे। मैंने भी जोश में कहा हाँ, बस जिसको जो चाहिए था वो एक चिट्ठी में लिखता, पिछले 6 महीने से मुझे देता और मैं अपने इस पोस्ट बॉक्स में पोस्ट कर देता। गुरु काफी महंगी फरमाइशें हैं। ठीक है यार, अपनी कड़की दूर करते करते अपन बस्ती वालों की फरमाइशें भी पूरी कर देगा। अरे यार यहाँ? हाँ, कल सुबह चंदे के पैसे भिजवाने हैं, इसलिए हिसाब के लिए हम दोनों ऑफिस में देर तक रुक गई। अच्छा अच्छा, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? पसीना? इतने रुपए दान देने के लिए लाए हो? देखो दीदी, इनके दिल में अपंग लोगों के लिए बहुत हमदर्दी है, आज सुबह 300 रुपए दिए और यहाँ का पता लिया, देखो कितने रुपए लाए हैं। जी ये तो कुछ भी नहीं, आप कहें तो अपन अपंग लोगों के लिए अपने शरीर के सारे टुकड़े दान में दे दें। देख लो दीदी, दूसरों के दर्द को समझने वाले और दूसरों के लिए जीने वाले महापुरुष ऐसे होते हैं। ये लो, ये रुपए इनके नाम पर लिख दो। अरे मैंने तो आपका नाम ही नहीं पूछा। जी सूरज। अरे ये खून कैसा, कैसे लग गई? वो कहीं कील लग गया होगा। हम ये तो अच्छा खासा जख्म है। हाँ ये क्या करेंगे आप? लाइए पट्टी बांध दो। आपने अपना इतना कीमती दुपट्टा आपन के लिए बेकार कर दिया। मेरी नजर में आपके खून से ज्यादा कीमती ये दुपट्टा नहीं है। आरती, इंस्पेक्टर विजय आए हैं। अच्छा अभी आए? दो दिन बीत गए सूरज, फाइल अभी तक नहीं आई। अब भी 2 दिन खत्म होने में 10 घंटे बाकी हैं। अपने बिल में जाके इंतजार कीजिए,
फाइल मिल जाएगी। कब? आज रात को। भैया कहाँ हो तुम? कब आओगे? कौन? मैं अशोक भैया। अशोक भैया तुम मेरे अशोक भैया हो ना? देखा देखा मैंने तुम्हें पहचान लिया। अपन तुम्हारा अशोक भैया है। कहाँ चले गए थे तुम? कितना ढूंढा तुम्हें, एकदम लापता हो गए। लापता? हाँ अपन चला गया था, लेकिन अब अपन आ गया। मुझे विश्वास था तुम जरूर आओगे, इसीलिए मैं ये खिड़की हमेशा खुली रखती हूँ। याद है आखिरी बार तुम इससे ही बाहर गए थे? सब कहते हैं मैं पागल हो गई हूँ, तुम कभी नहीं आओगे, लेकिन आज सब हार गए। बहन की मोहब्बत जीत गई। लगता है इस बेचारी का भाई कहीं खो गया है, उसी के गम में ये पागल हो गई। लेकिन तुम थे कहाँ? अपन क्या करते रहे? मैं वो बहन, दुनिया बड़ी जालिम है, तुझसे तेरा भाई क्या बिछड़ा कि दुनिया ने उसे चोर बना दिया। चोर? तुम चोर बन गए? हाँ बहन, जीने के लिए पेट भरना बहुत जरूरी था, और पेट भरने के लिए कुछ काम और तो कुछ कर नहीं सका, इसीलिए अपन चोर बन गया। तुम चिंता मत करो, विजय इंस्पेक्टर बन गया है, मैं उससे कह के तुम्हें माफी दिला दूंगी। ना 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 ना, तुम विजय से कुछ मत कहना, पुलिस वाले किसी के सगे नहीं होते, तुम किसी से कुछ भी मत कहना वरना पुलिस मुझे पकड़ के फिर से जेल ले जाएगी और तेरा भाई तुझसे पिछड़ जाएगा। ऐसा मत कहो, अब ऐसा नहीं होगा भैया। आशा 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 दरवाजा खोल। आशा जल्दी कर। आशा मैंने कुछ आवाज सुनी, यहाँ कोई आया तो नहीं? मेरे अशोक भैया। अशोक? हाँ अशोक भैया। अच्छा तुम ऐसा करो कि अपने अशोक भैया से बातें करो, लेकिन दरवाजा अच्छी तरह बंद रखो। अच्छा ओके। भैया बाहर आ जाओ, खतरा टल चुका है। तुम कितनी अच्छी हो आशा, तुमने एक चोर को बचा लिया। चोर को नहीं, अपने भाई को। भैया तुम यही रह जाओ मेरे पास। कैसी बातें कर रही हो पगली, अपन यहाँ कैसे रह सकता है? हाँ तुम्हें मिलने जरूर आऊंगा। प्रॉमिस? फिर कब आओगे? बहुत जल्द आऊंगा, अब अपन चलते हैं। दिन पूरे होने में अभी एक घंटा बाकी है, ठीक से देख लो, यही फाइल है ना? बिल्कुल वही, ये लो अपने बाकी के रुपए। लेकिन तुमने ये फाइल इंस्पेक्टर के घर से निकाली कैसे? चुपके से आम खाओ दोस्त, पेड़ गिनने में क्या फायदा। ओके। दिखाई नहीं देता। अरे आप? अरे आप? यूं ही कुछ शॉपिंग करने जा रही थी। आप उस दिन चोरों की तरह गायब कहाँ हो गए थे? जी उस दिन मैं जरा जल्दी में था। आपका जख्म कैसा है? दर्द तो गया पर निशान बाकी है। निशान भी चला जाएगा पर यादें बाकी रह जाएंगी। जी मेरा मतलब है कि यादें कभी कहीं नहीं जाती। इतना सामान किसके लिए खरीद डाला? जी जिस तरह आप सेवा केंद्र के जरिए गरीबों में प्यार बांटती हैं, उसी तरह अपन बन बस्ती वालों में जरा सा प्यार बांट देता है। अच्छा क्यों ना हम इस प्यार को आधा आधा बांट लें? जी अगर आपको ये बंटवारा पसंद हो तो। आपकी पसंद को ये बंदा कैसे नापसंद कर सकता है? थैंक यू अरे ओ रामू, तू देवदास बन के क्यों बैठा भाई?
मुझसे मत बात करो। क्यों, क्या हुआ? तुमने कहा था कि सूरज भैया आएंगे, वो किधर आए? अरे मेरे बेटा आएंगे, जरूर आएंगे। सूरज भैया कैसे है तू? अरे प्रीतम ये पकड़ यार। हाँ। ये ले, अपन को जोपन भी लिखा था अपन ले आ। आओ भाइयों आओ, आ जाओ। कैसा है तू? हाँ? अरे तूने कुछ भी नहीं लिखा अपने लिए? भैया तुम आ गए, मेरे लिए बहुत है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गया तू। हाँ बहुत प्यार करता है आपसे। क्यों, आपको जलन हुई? हाँ मुझे क्यों जलन होगी? अगर आप भैया से प्यार करती होगी तो जरूर जलन हुई होगी। ओए जो मुंह में आता बक देता तू, चल जा ठंडा लेकर आ। चल इस बस्ती से खास लगाव है आपका? लगाव? मोहब्बत करता हूँ बस्ती की हर एक चीज से, इतनी मोहब्बत जितनी एक माँ से की जाती है। माँ से? जी हाँ, जन्म देने वाली माँ के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं, पालने वाली माँ ये बस्ती है। जी चाहता दुनिया की हर खुशी कमाकर इस बस्ती में बांट दूं। क्या हुआ? वो आ रहा है। कौन वो? इंस्पेक्टर विजय। आने दे यार। गुरु मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं जरा चाय पी लूं। ओ बिल्लिया आप काका ने जरा दूध पिला दे। थैंक यू। आ भी ले जा। अरे इंस्पेक्टर साहब आप क्या पियेंगे? आप चाय ठंडा और बिल्लिया एक गिलास दूध ले। कल रात को तुम कहाँ थे? कल रात अपन को कुछ पता नहीं। जो पूछ रहा हूँ उसका ठीक ठीक जवाब दो। रात के 12:45 पर तुम कहाँ थे? कुछ याद नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब। ठीक से याद करो, जरा दिमाग पे जोर दो। वो कुछ याद नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब। बहुत कमजोर हो गई है तुम्हारी याददाश्त, लगता है ठीक करनी पड़ेगी। बहुत हो गया इंस्पेक्टर साहब, भगवान कसम अगर ये वर्दी आपके शरीर पे ना होती तो ये हाथ अब तक उखाड़ दिया होता। गुरु ये जलजला बड़ी आसानी से निकल गया। अरे समझदार था इसीलिए चला गया। लेकिन गुरु मान गए तुम्हें भी, तुम पहले आदमी हो जिसे इंस्पेक्टर विजय बिना साथ लिए वापस चला गया। तू डरता बहुत है। अरे डरता नहीं हूँ, उसकी इंस्पेक्टरी की इज्जत करता हूँ। अगर तुम कहोगे तो आगे से नहीं डरूंगा, सामने आते ऐसा एक घुमा के दूंगा कि उसकी बत्ती बाहर गिर जाएगी। हैं गुरु ये मेरे कान बज रहे हैं कि सायरन की आवाज है? गुरु मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, ये कौन आ रहा है? इंस्पेक्टर विजय। अच्छा गुरु इसके लिए तो तुम अकेले ही बहुत हो, मेरी क्या जरूरत है, मैं चलता हूँ। अरे ठंडा वो तो हो चुका हूँ, तुम पी लेना। भाग प्रीता। अब मेरे जिस्म पे वर्दी नहीं है, उखाड़ मेरा हाथ। सुना नहीं तुमने? छोड़ो ना साहब, खाली पीली बात घट जाएगी, ठंडा लेंगे आप। सूरज तुमने वर्दी का ताना दिया था, मैंने वर्दी उतार दी। अब मैं तुम्हारी मर्दानगी को चैलेंज करता हूं। मर्द के बच्चे हो तो उखाड़ो मेरा हाथ।
अपन के रामू की जान बची, इसलिए इस बार अपन हार मानता है। पूछो पूछो, क्या पूछना है? उसके लिए अपन को जेल भी जाना पड़े ना, अपन तैयार है। पूछो। अब तुमसे कुछ नहीं पूछना है सूरज, तुम्हें दिखाना है। क्या दिखाना है साहब? यही कि कानून सिर्फ वर्दी का नाम नहीं। तो किस चीज का नाम है? पुलिस स्टेशन आके अपनी आंखों से देख लेना। आओ सूरज, मैंने तुम्हें पूछा था कि 21 तारीख की रात को ठीक 12:45 पर तुम कहां थे, और तुमने जवाब दिया था कि मुझे कुछ याद नहीं। अपन बोला था ना साहब, आप जो पूछेगा अपन बता देगा। तुम क्या बताओगे? मैं बताता हूं, अपनी बाईं तरफ देखो। उल्लू के पट्ठे साले। हाँ, ये वही उल्लू के पट्टे हैं जिनके लिए तुमने फाइल चुराई, और मैंने इन तक पहुंचने के लिए तुम्हें भागने का मौका दिया। हाँ, ये फाइल और से देखो इसे, ये वही फाइल है ना जो तुमने मेरे घर से चुराई थी। लेकिन अफसोस, तुम्हारी चोरी इनके कोई काम नहीं आ सकी, क्योंकि ये फाइल नकली है। असली फाइल तो पुलिस रिकॉर्ड रूम के सेफ में। हान गए साहब, आप दिलेर भी हैं और होशियार भी, लेकिन अपन पर मर्द आदमी है क्या? अपन अपने जुर्म से इनकार नहीं करेगा? लो, गिरफ्तार कर लो साहब, कर लो साहब। ना सूरज, मैं तो तुम्हें सिर्फ अपनी और कानून की पहचान कराना चाहता था। मेरे घर से फाइल चोरी करके तुमने एक तरह से मेरी मदद की। मैंने तो खुद तुम्हें फाइल ले जाने का मौका दिया, मुझ पे हाथ उठाकर तुमने कोई जुर्म नहीं किया। मैंने खुद तुम्हें हाथ उठाने पर मजबूर किया था, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि जो लोग वर्दी पहनते हैं उनके बाजू में वर्दी की इज्जत निभाने की ताकत भी होती है। जुर्म और मुजरिम जहां भी हो, मेरे हाथ उनको दबोचना अच्छी तरह जानते हैं। देखा साहब, देखा,
आप जो कुछ दिखाना चाहते हैं ना अपन अच्छी तरह से देख लिया साहब। लेकिन अब मैं तुम्हें चोर के रूप में ना देखूं, ये पाप की दुनिया छोड़ दो, क्योंकि आज के बाद चोरी करते हुए पकड़े गए तो माफी नहीं सजा मिलेगी, समझे? समझ गया साहब, बिल्कुल समझ गया। लेकिन साहब अपन का दिल में एक छोटा सा बात आया है, बुरा ना माने तो बोल दूं? हाँ बोलो साहब। जितनी इज्जत जितना प्यार आपको अपनी इस वर्दी से है ना साहब, उतना ही प्यार अपन को चोरी के धंधे से है साहब। अपन चोरी से तौबा नहीं कर सकता। हाँ आपको पूरा अधिकार है कि आप अपन को रंगे हाथ पकड़ कर अंदर कर दो, लेकिन साहब अभी ऐसा होएगा नहीं। सूरज आपको अच्छी तरह से समझ गया है, अभी अपन आपका चक्कर वक्कर में आने वाला नहीं है साहब। क्या बच्चे चैलेंज कर रहे हो? नहीं साहब नहीं, अपन छोटा सा चोर, अपना क्या वैल्यू कि हम आपको चैलेंज करेगा। आपने अपना पहचान करवाया, हमने अपना पहचान करा दिया। साहब आप कानून की दुनिया का नेहला है ना, तो अपन पन पाप की दुनिया का छोटा सा दहला दहला साहब।